विधायक के भाई रिजवान ने अपने खास गुर्गे की मदद से कमाए करोड़ों रुपए। कानपुर में नई सड़क में हुई हिंसा कानपुर के लिए वो बदनुमा दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। वहीं कानपुर के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी के कारनामों के बारे में जितना बताया जाए वह कम है। इस दौरान विधायक इरफान सोलंकी व भाई रिजवान सोलंकी समेत इनके कई सहयोगी जेल की सलाखों के पीछे अपने अपने किए पर अफसोस कर रहे होंगे कि काश मैं ये नहीं करता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। विधायक इरफान सोलंकी व भाई रिजवान सोलंकी ने करोड़ों रुपए बनाने के चक्कर में कई लोगों की जमीनों पर अपने रसूख से कब्जा कर उस पर बिल्डरों से हाथ मिलाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उनको बेच डाला। वहीं आजकल विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का खास कहलाने वाला आरिफ उर्फ आरिफ डॉन काफी सुर्खियों में है। आपको बताते चलें कि आरिफ डॉन को विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का खजांची में कहा जाता है। आरिफ डॉन ही रिजवान सोलंकी का जमीनों का पूरा काम देखता है। आरिफ डॉन के ही घर में रिजवान सोलंकी का अभी तक कार्यालय हुआ करता था। कार्यालय जिस घर में है उस घर की छत में पड़ी कंक्रीट की बीम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा जितनी बिल्डिंगों का निर्माण कराया गया होगा उसमें बेहद घटिया किस्म के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर का निर्माण ऐसा कराए कि कुछ ही वर्षों में कंक्रीट में पड़ी सरिया दिखाई देने लगे। रिजवान सोलंकी के सहयोग से आरिफ डॉन ने कई जमीनों पर कब्जा किया। कई वर्षों से एक ही मकान में बसे किरायेदारों से मकान खाली करवाकर उस मकान को हड़प लिया गया, उस पर मानक विपरीत बिल्डिंग बनाकर बेची गई और करोड़ों कमाए गए। कानपुर हिंसा में आरिफ डॉन की दूर दूर तक संलिप्तता नहीं पाई गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विधायक के भाई का खास होना व क्षेत्रीय थाना पुलिस का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होना यही कारण है कि आरिफ डॉन का नाम कानपुर हिंसा में नहीं है। जिस जगह पर आरिफ का घर है वहां पर भीड़ हिंसक हुई थी और पुलिस टीम पर पथराव भी कर रही थी। आपको बताते चले कि विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान उन्नाव जिले से भूमाफिया की लिस्ट में भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार आरिफ डॉन का रिजवान की मदद से उन्नाव में भी कई सरकारी जमीनों पर हस्तक्षेप रहा है। आजिया न्यूज 24 कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।